अब समझते हैं कि मार्केट में यहाँ से कहाँ पर आपको दांव लगाना है। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ मनीष थुनथालिया जुड़े हैं, जिनके पास एक्विटीज़ में करीब करीब 3 दशक का अनुभव है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएलएफ है क्या आपके पोर्टफोलियो में? बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, मैनेजमेंट से बात हो रही थी और पूरा एक चेंज हो गया एकदम से जो डीएलएफ का एक प्रोफाइल था पिछले कई सालों में। देखिए, पूरे रियल एस्टेट में ही काफी तेजी आई है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड जो भी नेम नोन नेम्स हैं, और ना भी यही है कि साइकिल लंबे समय तक चलेगा, मे बी 7-8 साल चलेगा, बट वैल्यूएशन तो कहीं भी जरा भी कंफर्ट नहीं देते हैं। मतलब आप प्राइस टू नैव अगर 4 या 5 या 6 पे करते हैं तो कुछ भी टेबल पर रहता नहीं। तो एनालाइज कर रहे हैं कहाँ भी वैल्यू है, बट अभी तक तो कोई सफलता मिली नहीं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन नंबर। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज तो कंफर्ट कहां पर है इस मार्केट में? फिर कहीं भी नहीं होगा या कहीं दिख रहा है आपको वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट? बैंक्स में है, बट अर्निंग्स ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन भी है, तो जल्दी ही मेरे हिसाब से तो अगर ये ट्रूथ है कि वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों संग में चलते हैं, तो आगे पीछे जाके बैंक्स को तो मूव करना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ। इंक्लूडिंग अगर ये नहीं होता है तो फिर अर्निंग्स ग्रोथ जो 17-18% की 2025 की बात हो रही है वो फिर नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा हो गया बैंक्स। बैंक्स में मेनली तो HDFC बैंक नहीं चला है और कुछ हद तक ICICI बैंक, बाकी तो बैंक्स भी ठीक ठाक चले हैं, तो इन दो में क्या व्यू रहेगा फिर? नहीं, आई मीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो ब्रॉडली सब अंडर परफॉर्म किए। अगर आप ICICI भी देखें, हाँ, 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या HDFC बैंक देखें या कोटक बैंक देखें, तो जो भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है अर्निंग्स ग्रोथ तो आए हैं अच्छे खासे, पर वैल्यूएशन डी रेटिंग हुई है और इंडेक्स में काफी कुछ वेट है और HDFC बैंक तो है ही, तो 30-32% वेट अगर इंडेक्स का नहीं मूव हो रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है तो सोचने वाली बात है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छी खासी तेजी हुई है ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, तो अर्निंग्स ग्रोथ रिकॉग्निशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिल रही है। 2024-25% की ग्रोथ है और वैल्यूएशन रीरेटिंग भी हुई है, तो ये एक स्पेस है जिसमें रीरेटिंग हुई है पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नहीं हुई। सो ये एक स्पेस है जो मुझे लगता है कि मूव करना चाहिए। बैंक्स, मनीष जी के मुताबिक बैंक्स एक स्पेस जो है, आई मीन वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है मनीष जी को। मनीष जी, इस बार जो अर्निंग्स कैपिटल गुड्स ने दी, चाहे वो L&T हो, चाहे वो ABB हो, सिमेंस ने, कमिंस ने, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। स्पेशली बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी इनका ऑर्डर इनटेक बहुत शानदार था। अभी यहाँ पे आपको कुछ स्पेस नजर आ रहा है फ्रेश बाइंग के लिए कैपिटल गुड्स में? सर ये इनके फंडामेंटल्स तो काफी स्ट्रांग है और काफी सालों तक स्ट्रांग रहेंगे, बट वही है फिलोसोफी में बाय एट एनी प्राइस है या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है, व्हाट आर वी फॉलोइंग, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी भाव में कुछ भी ले लें तो ये फिर मुनासिब नहीं होता है, फिर तो बेसिकली स्पेकुलेशन के रन पे रहे। तो सब आपकी बात सही है, ऑर्डर बुक सही है, एग्जीक्यूशन भी आ ही जाएगा, बट वैल्यूएशन नियर टर्म वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, या तो टाइम करेक्शन जाएगा या फिर थोड़ा प्राइस करेक्शन भी जाएगा, तब देखने की वाली बात है। पर्टिकुलरली मोस्ट कैपिटल गुड्स एंड नॉन कैपिटल गुड्स स्पेस, नॉन कंपनीज इन द कैपिटल गुड्स स्पेस। ये संविधान सर आपकी ये जो सोच है, ये एक स्पेस और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना मनीष जी, तब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो है आपकी डिफेंस कंपनियां। आपसे बात करते करते HAL ने नया हाई जड़ दिया, BL ने नया हाई जड़ दिया, BML लैंड एसेट सब अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर आपका व्यू, अगर आप एक अच्छा पैसा बना चुके हैं अभी भी कमिटेड रहें इस प्राइस पर भी आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी काफी रीजनेबली वैल्यूड है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वेदर बैंक्स हो या डिफेंस कंपनी, काफी कुछ रिटर्न्स बन गया, बट फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो आई मीन और आगे जाके रेलवेज, डिफेंस, ये सब में पैसे बनेंगे, चूंकि रेलवेज में काफी वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन टाइप की है, और डिफेंस कंपनीज में मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है। सो मे बी थोड़ा प्राइस टाइम करेक्शन जरूर हो सकता है, बट क्योंकि ये मोनोपोलीज हैं, 4-5 जो कंपनीज है डिफेंस की, उन्हीं को सब ऑर्डर आएंगे,
और हर साल बजट तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, अभी भी 6.25 लाख करोड़ का बजट है जो पिछले साल से थोड़ा बहुत तो ऊपर है ही। सो आई थिंक जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस्ड है उनकी जो एग्जीक्यूशन, उनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट, वो बजट तो कैटर करेगी, पर आने वाले दिनों में आउटलुक ऑन डिफेंस कंपनीज लोग तो ओके। सिंस हम PSUs पर हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि मुझे याद है एक पर पहले जब आपसे बात होती थी तो आप काफी पॉजिटिव थे यहाँ पर, अभी बहुत शार्प मूव्स आए हैं सब में ऑयल मार्केटिंग कंपनी। बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। ओके, इलेक्शन का रिस्क नहीं लगता आपको यहाँ पर? देखिए जो स्ट्रक्चरल ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है, यू नो मार्केटिंग मार्जिन्स है, जो सरकार PSU रिफाइनिंग कंपनीज को पैसे बनाने दे रही, और कोविड के टाइम में यू नो उनको काफी मार लगी, यू नो एक साल तो पूरा प्रॉफिट ही चला गया। बट आई थिंक जो अभी जो स्थिति है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन और मार्केटिंग मार्जिन, जो आज की डेट में मार्केट जिसको मे बी साइक्लिकल समझ रहा है, हो सकता है वो स्ट्रक्चरल हो जाए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मिलती रही, यू नो जो हमारी जो स्टेट ओन रिफाइनिंग कंपनीज है, वो एक तरह से रीसेट हो सकती है। तो काफी पॉजिटिव हूँ यू नो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इवन फ्रॉम दिस। कुछ स्पेसेस हैं जहाँ बहुत बड़े मूव्स आए हैं, आई डोंट नो इफ मतलब आपने शायद नोटिस करे होंगे ऑब्वियसली, जैसे ट्रेंड है यहाँ पर एक शानदार मूव आया क्या, लेकिन ये इन वैल्यूएशन पर सपोर्टिव है ये ऐसे स्टॉक्स? ये रिटेलिंग में यू नो कंपनी स्पेसिफिक तो नहीं बात करूंगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि रिटेलिंग स्पेस में बहुत जगह है, यू नो आने वाले दिनों में पूरा रिटेलिंग, अगर आप कोई भी मतलब कंज्यूमर टेक से लेके ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल में यूनिट इकोनॉमिक सही होनी चाहिए, और जिस कंपनी ने भी यूनिट इकोनॉमिक सही कर ली इन टर्म्स ऑफ स्टोर लेवल ROC मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यू नो ऑन थंब रूल बेसिस अगर 15-16% पकड़ते हैं नॉट वैक, और अगर आप 18-19% स्टोर लेवल ROC, आप कोई भी कंपनी उठाकर देख ली जहां पर ग्रॉस मार्जिन 50% से ज्यादा हो वहां पर एक मोट है, और अगर स्टोर लेवल ROC 20% से ज्यादा हो तो वहां मोट है। और ट्रेंड की अगर बात करें तो Zudio में उन्होंने राइट, दे हैव गॉन राइट, मतलब वेस्ट साइड से ज्यादा वैल्यू Zudio में क्रिएट हो रहा, जो द पेस ऑफ एक्सपेंशन जो उनकी हो रही यू नो आई मीन जवाब नहीं, मतलब ग्रोथ इज फैंटेबुलस। बट अगेन द होल पॉइंट इज कि टर्मिनल वैल्यू आप कितना देंगे, मैंने फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू एक्सपेंड दिस मंथ, वहां पर अभी तक मतलब ब्रॉडली ज्यादा कुछ हैंडल नहीं है। Zara का मॉडल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है Zudio में और बैकएंड को एकदम सही कर दिया है, सो वैल्यूएशन इज द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज दे हैव गॉट एवरीथिंग राइट। हाँ, जो वाकई मनीष जी से वैल्यूशंस को देखिए काफ़ी बात हो रही हैं, कहाँ स्पेस है कहाँ नहीं है, तो ऐसे में एक स्पेस और आएगा, लीजिए आपसे बात करते करते एक स्पेस और ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, दैट्स होटल सर, 593.30 इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। अभी यहाँ कितना स्पेस बाकी है, या फिर वही है जो चल रहा है चलने दीजिए, अभी ऐसे कमिटेड रही है? वही है कि यू नो जो आपके ARPOBs वगैरह बढ़े हैं, एवरेज रेवेन्यू पर रूम हॉस्पिटल्स में ARPOB होते हैं, वो बेसिकली एक तरह से रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन का ग्रोथ काफी स्ट्रांग है बिकॉज इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, बट पेस ऑफ यू नो रेवेन्यू इंक्रीज इज गोइंग टू स्लो डाउन, पिछले मतलब पेस ऑफ इंक्रीज इज गोइंग टू स्लो डाउन, सो मे बी यू नो यू आर समवेयर क्लोज टू द साइक्लिकल पीक्स बिकॉज होटल्स इज अ साइक्लिकल सेक्टर, एंड ऑब्वियसली मोर डिमांड होते हैं तो सप्लाई का क्रिएशन भी आ जाएगा, जो कि कोविड के टाइम में नहीं था क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा सप्लाई एडिशन नहीं हुआ था, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच उसके कारण आपके यू नो एवरेज रेवेन्यू पर रूम हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, बट वो पेस आपका बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मे बी वैल्यूएशंस आर प्रीटी मच फुल और नियर फुल इज व्हाट आई वुड से। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और आई थिंक बाजार पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से लौटते हैं बाजार की तरफ और आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 22,119 पे मीन वाले एक स्टॉक लेके आइए जो अनुज ने पिक किया था, दैट वाज मैं इनफैक्ट मनीष से इसलिए पूछ रहा, मनीष जी से पूछ भी रहा था HAL कहाँ फाइंडिंग हुई थी इसकी, और 3,122 पे अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, और आप देख लीजिए पूरा का पूरा ये बास्केट, अनुज HAL को लेके आइए,
BML हमने पिक किया था मेरे ख्याल से 3139 पे, अब वो 3180 हो गया। आप लेके आइए रेलटेल को, आप लेके आइए राइट्स को, अनुज गजब मूव यहाँ पे, एंड स्पेशली HL ऑल टाइम हाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही टाइम पे पिक हुआ वो ट्रेड, ऐसा लग रहा था एक्चुअली उस समय।